ये व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में गाइस एक बहुत बड़ा हिल क्लाइंब रेसिंग टूर्नामेंट था, जिस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस भी बहुत ज्यादा था और साथ ही जीतने वाले को मिलने वाली थी एक फ्यूचरिस्टिक सुपर कार। अब इस टूर्नामेंट के बारे में हमें बेनी ने बताया और साथ ही उसने हमें एक मस्टैंग को भी पूरा मॉडिफाई कर दे दिया था इस रेस को खेलने के लिए। अब जब हम लोग ने इस रेस में जाकर अपनी रेस स्टार्ट करी तो पूरा मैच तो हम लोग जीत ही रहे थे, मतलब एक ही लैप का रेस था और हम लोग पूरे टाइम फर्स्ट पर चल रहे थे। बट एट द एंड पता नहीं यार क्या हुआ, एक बहुत तगड़ा रेसर था जिसने भाई इतनी तेज अपनी गाड़ी भगाई कि हमें टक्कर मार के हमारी गाड़ी को ट्रैक से बाहर फेंका और अपनी गाड़ी को लेकर वो जीत गया। और प्राइस सिर्फ फर्स्ट विनर के लिए था, तो हमारी रैंक सेकेंड आई थी, पता नहीं क्या ही आई थी, मेरे को याद भी नहीं। तो सीधी सी बात है, हम लोग उस रेसिंग टूर्नामेंट को तो जीत नहीं पाए। लेकिन यार अभी ना लॉस सैंटोस में तो बहुत ज़्यादा गलत सीन चल ही रहा था। आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में गाइज एक मार्केट थी जहां पर टेररिस्ट ने कब्जा कर लिया था और उधर जितने भी बंदे थे उन सबको हॉस्टेज बना लिया था सिर्फ उसे बिग माफिया के भाई को बचाने के लिए। और जब रेस खत्म हुई उसके बाद हमें डगन बॉस भी मिला था और जिसने वो फ्यूचरिस्टिक कार भी उस बंदे से छीन ली थी जो रेस को जीता था। और डगन बॉस ने हमसे भी यही पूछा कि अगर तुम जानते हो बिग माफिया का भाई कहां पर है तो हमें सीधे सीधे बता दो, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में है। तो हमने साफ साफ बोल दिया भैया हम नहीं जानते। और जैसे हम लोग लॉस सैंटोस पहुंच रहे थे रेस हार के, भाई साहब बीच रास्ते में टेररिस्ट से उसने हमारे ऊपर अटैक करवा दिया। वो तो अच्छी बात है कि अपने पास मस्टैंग थी, तो हम लोग चुपचाप से वहाँ से निकल गए। और अभी फिलहाल पिछले दो दिन से ये जो आप देख पा रहे हो ना पीछे अपना रेस्टोरेंट, मैं यहीं पर रुका हुआ हूँ। पीछे कुछ मोटेल थे तो वहीं पर अपना रूम ले रखा था। लेकिन यार अभी अभी ना गाइस मेरे को मिलिट्री के एक बंदे का फ़ोन आया है, बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है इस टाइम पर। मतलब कि यार मिलिट्री कर्नल को मिलिट्री बेस में किडनैप कर लिया है टेररिस्ट ने। मतलब कि अभी सीन कुछ ऐसा है कि सबको मालूम पड़ चुका है कि बिग माफिया के भाई को ना मैंने और मिलिट्री कर्नल ने मिलकर ही गायब करवाया है। तो सारे के सारे ना इस टाइम पर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ चुके हैं और मुझे ना अभी बहुत ज़्यादा छुप कर रहना पड़ेगा। लेकिन अभी मिलिट्री कर्नल की जान खतरे में है, इसलिए मिलिट्री वाले बंदे मेरे को सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पर बुला रहे हैं। तो अभी फिलहाल सबसे पहले मैं निकलता हूँ लॉस सैंटोस के लिए। तो मतलब अभी सीन कुछ ऐसा है कि जो मिलिट्री बेस है ना टेररिस्ट वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं, क्योंकि यार मिलिट्री कर्नल पूरे टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर पर था और वो किसी काम से मिलिट्री बेस गया था और उतनी देर में उन्होंने पूरा का पूरा मिलिट्री बेस को चारों तरफ से घेर रखा था। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा भाई पूरा का पूरा कब्जा उन्होंने मिलिट्री बेस पे भी कर दिया है। अभी सबसे ज़्यादा सेफ जगह अगर देखी जाए अपने लिए तो ये अपना पलिटो है और साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, बाकी सारी जगह इस टाइम पर अपने लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अभी सबसे पहले ना गाइस मैं जा रहा हूँ लॉस सैंटोस, ट्रैवर को उठाएंगे और फटाफट से गाइस मैं निकलने वाला हूँ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो गाइस अभी ना फिलहाल मिलिट्री के हर एक बंदे की ना हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी है, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा पीछे से ना 5 टैंक अंदर को जा रहे थे मिलिट्री बेस के, लेकिन तुरंत आधे रास्ते से मुड़कर वो वापस चले गए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कुछ ज़्यादा ही गलत सीन है। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर पहुँचते हैं, वहाँ पर जाकर हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वैसे मिल जानी है। बाकी अभी ना फिलहाल मैं उस जगह पर पहुंचने वाला हूं जहां पर मैंने ड्राइवर को मिलने के लिए बुलाया था। उसको मैंने साफ साफ बोल दिया था भैया मैं लॉस सैंटोस नहीं आ पाऊंगा, तू लॉस सैंटोस से बाहर आ जा, क्योंकि वहां पर जो टेररिस्ट हैं भाई वो हमारे ही इंतजार में बैठे हैं। तो चलो गाइस अभी फिलहाल ड्राइवर यहां पर पहुंच चुका है, अभी जल्दी से मैं भी अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क करता हूं, क्योंकि इसके बाद गाइस हम लोग बोट या फिर जेट स्की से आगे जाने वाले हैं। क्योंकि गाड़ी से एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर एयरप्लेन से जाना तो बेकार ही है, गाड़ी से तो मैं वैसे ही नहीं जा पाऊंगा, बट एयरप्लेन या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट से जाते हैं तो दिक्कत की बात है, इसीलिए हम लोग नॉर्मली जाएंगे बोट से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा भले ही थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ड्राइवर को मैंने यहीं पर आने के लिए बोल दिया था क्योंकि ये जगह पर थोड़े बहुत कम बंदे आते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ है, यहाँ पर टेररिस्ट से मैं उतना ज़्यादा खतरा नहीं है। बाकी अपने साथ ना गाइस मैंने वेपन्स सारे के सारे रख लिए जो भी अपनी गाड़ी में थे, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि इस टाइम पर अगर सामने से टेररिस्ट आए या फिर कोई भी गैंग हमसे पंगा ले तो अपने पास वेपन्स ना हो। और एक सेकेंड यहाँ पर ये भागता हुआ क्यों आ रहा है भाई, हेलो क्या हो गया, अबे अंधा है क्या भाई, मैं सीधे आ रहा हूँ पता नहीं। एक सेकंड, अभी इसको दिक्कत देखो, खुद ही भागता हुआ आया था और अभी उल्टा बोल रहा है मेरे को, बेटा मुंह ही मुंह पे मारूंगा भाई साहब, वन पंच मैन हो रहा है पूरा, एक मुंह पे घुसन पड़ा नहीं लेट गया। अभी फिलहाल यहाँ पर ओ तेरी भाई साहब, ये देखो ट्रैवर भाई हमेशा जहाँ भी जाता है हर जगह बंदों से लड़ने लग जाता है। चलो भाई चलो निकल लो, तुम्हारा बहुत होगा, बक 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 तू भी निकल यहाँ से। और एक सेकंड भाई, ये ट्रैवर उनको मार कर ही आएगा भाई साहब, ये ट्रैवर ना भाई बिल्कुल भी मानने वालों में से नहीं है। वो देखो बेचारे दोनों कहाँ तक भागते हुए जा रहे हैं, अब ये मुझे नहीं लगता उनको छोड़कर आएगा, रुक जा तेरा काम मैं ही पूरा कर देता हूँ। पता नहीं यार ये कौन से गैंग के बंदे, चल
मुझे तू निकल, और तू भी लड़ रहा था ना, तू भी निकल। तो चल भाई अब तो वापिस आ जा। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मुझे दोनों लोग को स्नाइपर मार के डाउन ही करना पड़ गया, वरना ये ड्राइवर उसके घर तक जाता उसको एक घुसा मारने के लिए। चलो कोई नहीं, हिसाब वैसे बराबर कर देना चाहिए। अभी फिलहाल जल्दी से ना गाइस हम लोग अपनी जेट्स के लेकर यहाँ से निकल लेते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो यहीं पर नीचे ड्राइवर ने लाकर खड़ी कर दी थी, और काफी ज्यादा बढ़िया कलर किया है, येलो कलर काफी ज्यादा फेवरेट है मेरा भी। तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर उतरते हैं और जल्दी से बैठते हैं इस जेट्स की के अंदर। बाकी ड्राइवर ओके, तो चलो अभी फिलहाल ड्राइवर भी आ रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल ट्रैवर भी हमारे जेट्स की के अंदर आकर बैठ चुका है। वैसे यार इसको जेट्स की भी बोलते हैं, सी शार्क भी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे नीचे आकर कमेंट में जरूर बताना। तो अभी जल्दी से अपनी जेट्स की को लेकर चलते हैं सीधा एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और वहां पर चलकर देखते हैं आखिरकार क्या ही सीन चल रहा है उस टाइम पर मिलिट्री बेस में। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी सी शार्क लेकर मिलिट्री के एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहुंचने वाला हूं, और अभी पीछे तक मैं इसको इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रहा था मैं क्या बताऊं, लेकिन यहां पर आकर ना भाई ये पूरी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि इधर पानी की लहरें कुछ ज्यादा ही ऊंची उठ रही है। तो चलो अभी फिलहाल जल्दी से इसको हम लोग पूरा मोड़ लेते हैं। और लास्ट टाइम मैंने यहीं पर अपनी सबमरीन लाकर खड़ी करी थी, और मिलिट्री कर्नल ने वो जो सबमरीन है उसके अंदर बिग माफिया के भाई को डलवा कर बहुत ज़्यादा कहीं पर अंडर वाटर करवा दिया है। बाकी एक सेकंड हम लोग अंदर जा पाएंगे या फिर नहीं, ऊपर सिर भिड़ सकता है मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अभी जल्दी से ना गाइस पहले इस पे से उतरते हैं और फटाफट से गाइस हम लोग यहाँ पर ऊपर चढ़ जाते हैं। चलो अभी फिलहाल मैं तो आ गया हूँ, ट्रैवर भी टाइम पर आ चुका है। भाई यार इसकी एंट्रेंस काफ़ी ज़्यादा बेकार बनाई है, आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलो यार कोई नहीं, फिलहाल मजाक की बात है हम लोग बाद में करेंगे, अभी फिलहाल जल्दी से ना हम लोग यहाँ पर ऊपर चलते हैं और किसी मिलिट्री के स्टाफ मेंबर या फिर किसी जनरल से बात करते हैं, वही हमें बता पाएंगे कि आखिरकार मिलिट्री बेस में इस टाइम पर एक्चुअली सीन चल क्या रहा है, और कैसे मिलिट्री कर्नल को उन लोगों ने वहाँ पर पकड़ रखा है। अब यार देखो उसको बचाने तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं है तो सीधी सी बात है बिग माफिया के भाई को पकड़ने के लिए मतलब उसको छुड़वाने के लिए बंदे हमारे पास ही आने वाले हैं, यानी अगला नंबर हमारा है, तो इसलिए भी हमें उसका साथ चाहिए होगा। बाकी काफ़ी सारे मिलिट्री वाले बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि इनको भी पता है मिलिट्री बेस अभी इनके लिए सेफ नहीं है, इनके लिए क्या किसी के लिए भी सेफ नहीं है वो। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने पीछे एक मिलिट्री सोल्जर से पूछ लिया है कि आखिरकार मुझे जनरल कहाँ पर मिलेंगे, और वो कह रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के टावर के टॉप फ्लोर पर चले जाओ, वहीं पर तुम्हें मिलिट्री जनरल एंड मिलिट्री वाइस कर्नल मिल जाएंगे। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग चलते हैं इस टावर के टॉप फ्लोर पर, क्योंकि वही है जो कि हमें बता सकते हैं कि आखिरकार मिलिट्री बेस में इस टाइम एग्जैक्टली सीन क्या चल रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के टावर के टॉप फ्लोर पर आ चुका हूँ, अभी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा अंदर कंट्रोल रूम में, और वो देखो वो खड़ा मिलिट्री जनरल, जल्दी से इससे बात करते हैं और पता करते हैं आखिरकार क्या सीन चल रहा है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इस मिलिट्री जनरल से बात हो गई है, और गाइस ये कह रहा है कि उस टाइम पर जो सीन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, और सारी सिचुएशंस अपने हाथ से निकल चुकी है, और अपने लॉस सैंटोस को भी बहुत ज़्यादा खतरा है एक बहुत बड़े बॉम्ब ब्लास्ट से, जिससे पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है। तो आखिरकार सीन पूरा का पूरा है क्या, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार देखो पहली बात तो ये कि उन टेररिस्ट ने मिलिट्री बेस में घुस के मिलिट्री जनरल को पकड़ लिया, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे मिलिट्री सोल्जर्स थे। तो उन्होंने क्या करा, पहले वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया ताकि जितने भी सोल्जर्स बाहर घूम रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं सारे के सारे मारे जाएं। उसके बाद कम से कम 1,000 से 2,000 टेररिस्ट ने वहां पर अटैक कर दिया और मिलिट्री कर्नल को वहीं पर पकड़ लिया, और इस टाइम पर उन्होंने मिलिट्री बेस की जो हालत कर दिया ना, मतलब कि ये लोग भी वहां पर जाने से डर रहे हैं। बाकी यार इस टाइम पर ना ये इसका प्लान तो कुछ ऐसा है कि हम लोग भी ना वहां पर ब्लास्ट करवा के ना पूरे के पूरे मिलिट्री बेस में जितने भी टेररिस्ट हैं उनको मार सकते हैं, पर सीन कुछ ऐसा है कि वहां पर अपना मिलिट्री कर्नल भी है और भी काफी सारे मिलिट्री स्टाफ के बंदे और भी बहुत सारे बंदे हैं जिनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभी एक घंटे पहले यहाँ पर टेररिस्ट का कॉल आया था मिलिट्री बेस से ये धमकी देने के लिए कि तुम बस बिग माफिया के भाई को छोड़ दो, इधर से हम लोग मिलिट्री गनल को छोड़ देंगे, अदरवाइज उसको मार देंगे, तो तुम बस उसे छोड़ दो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तो यार ये कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्या गारंटी है वो लोग मिलिट्री गनल को छोड़ देंगे या फिर मिलिट्री बेस को और ज़्यादा तबाह नहीं करेंगे या फिर लॉस सैंटोस में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे। अभी फिलहाल यार देखो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, लेस्टर को कॉल करते हैं और देखते हैं क्या सीन है, वही हमें इसके बारे में तगड़ा सॉल्यूशन देगा। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से तो कॉल पे बात हो चुकी है, और वो कह रहा है कि तुम ना बस जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुंच जाओ अपने सीक्रेट बेस में, उसके बाद हम लोग वहां पर बैठ के डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यार अभी ना फिलहाल शायद से हमारे पास एक बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत आ चुकी है। तो अभी ना फिलहाल ये वाला जो सोल्जर है ना, इसने बनाया कुलर्स तो देखा है, और ये कह रहा है कि वो जो सामने से बहुत बड़ा शिप आ रहा है ना, वो शायद से टेररिस्ट का शिप है, और उसके अंदर कम से कम 1,000 से भी ज्यादा टेररिस्ट भरे पड़े हैं, और वो लोग शायद से हमें ही मारने के लिए आ रहे हैं। अब मैं 100%
100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन यार ये जो भी शिप है बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें वेपन्स ही वेपन्स लगे हुए हैं, और ये 100% टेररिस्ट का ही है। इनको पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसने जब उसे कॉल करी थी ना, जब उनका कॉल आया था, तो सीधी सी बात है उस कॉल से उनको हमारी लोकेशन पता चल गई होगी, और ये हमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर डाली उसकी कॉल उठाकर। अभी फिलहाल जल्दी से ना हमें यहाँ से नीचे उतरना चाहिए, और इनके जितने भी बंदे ना गाइस, इन्हें हमें जाकर पहले मारना पड़ेगा। अगर इनकी शिप यहाँ तक पहुँच गई ना, तो जैसे इन्होंने मिलिट्री बेस पर कब्जा करा है, वैसे ये लोग इस वाले बेस पर भी कब्जा कर सकते हैं। इसलिए इनके यहाँ पर पहुँचने से पहले जो मेरे पास RPG है ना, इनके मैं मुँह ही मुँह पर बजाने वाला हूँ, और इनकी शिप ब्लास्ट कर इन लोग को पानी में डुबा कर मार देंगे। अभी इनका मैं टाइटैनिक बनाता हूँ। इधर आओ तुम्हारी ऐसे की तैसे, इतना बड़ा शिप लेकर आओगे, 4 बुलेट पड़ेगी ना, सारा पेट्रोल लीक हो जाएगा शिप का। फिलहाल यहाँ पर रख रख के तुम्हारे भाई ने बजाना तो शुरू कर दिया है, और यहाँ पर सामने वाले बंदे, ओ भाई इसके अंदर भाई बहुत सारे टेररिस्ट हैं। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल तुम्हारे भाई ने ना इनके रख रख के RPG बजाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट नीचे की तरफ थे ना, इन सब के RPG पड़ने वाली है। लेकिन यार एक सेकेंड, इन लोग का भी दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। सामने से भाई उन्होंने भी हमें RPG मारना शुरू कर दिया भाई। तो गाइस यार देखो, मुझे ना सच्ची में नहीं मालूम था कि ये जो टेररिस्ट हैं भाई इतने ज्यादा इंतजाम के साथ आएंगे हमें मारने के लिए। मतलब यार अभी ना सीन कुछ ऐसा है कि हर एक टेररिस्ट के पास भाई 2-2 RPG है, और जैसे वो हमें देख रहे हैं ना, सीधा ये देखो भाई कैसे धड़ाधड़ RPG मारे जा रहे हैं। पीछे के जितनी भी गाड़ियां थी भाई, सारी की सारी इन्होंने ब्लास्ट कर दिया है। यहाँ पर जितने भी हेलीकॉप्टर हैं, वो भी सारे के सारे इन्होंने ब्लास्ट कर डाले हैं। अपने इधर काफ़ी सारे मिलिट्री सोल्जर थे, उनको भी इन्होंने मार डाला है। और ये देखो एक शॉट आ रहा है गाइस मेरे ऊपर बहुत गंदी तरह। ओ भाई नीचे आके वो शॉट भिड़ा है भाई, ये तो रुके नहीं रहे। इतनी ज़्यादा एमो कहाँ से आ रही है, मेरे पास खुद 20 एमो थी RPG की। लेकिन यार यहाँ पर ये अंधी धुंध हमारे बजाए जा रहे हैं, बट कोई नहीं। अभी मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इनके ना एक एक करके जो नीचे वाले बंदे हैं इनको मैं मारूंगा ना, उसके बाद शायद से ये लोग अपनी शिप को ना लेकर यहाँ से निकलेंगे। मेरे पास जब तक कवर है तब तक तो ये हमारा ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अभी ना गाइस इनके साइड साइड से मुझे बजानी पड़ेगी, रुक जाओ। अपनी स्नाइपर गाइस अब काम आएगी ना, बहुत दिन हो गए वैसे भी स्नाइपर चलाए हुए। एक बंदा गया, दूसरा ए रहा, ये भी गया। एक एक करके ना गाइस साइड साइड से मारूंगा, ताकि क्योंकि बीच में मैं जैसे जा रहा हूँ ना, सीधा ये लोग RPG बजाना शुरू कर रहे हैं। और एक शॉट यहाँ पर भी आया बहुत गंदे वाला। बाकी तो गाइस यार आप लोग यहाँ पर पीछे की तरफ में देख पा रहे हो कि अगर ये लोग को मैं नहीं दिख रहा हूँ ना, तो ये सीधा ये जो हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं भाई, इन पे गोलियाँ मार रहे हैं। सारे के सारे व्हीकल्स इन लोगों ने भाई ब्लास्ट कर डाले हैं भाई। अब पता नहीं इन्होंने ना अभी तक अपनी जो शिप में गन लगी हुई है ना वो नहीं चलाई, अभी ये खुद से RPG चला रहे हैं। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि ये जो शिप में इतनी बड़ी बड़ी गन्स लगी है, जब इससे ये लोग फायर करेंगे तो भाई क्या ही सीन होने वाला है। अभी भाई देखो मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग इनसे जीत सकते हैं, इसलिए हमें ना भाग कर चुपचाप से यहाँ से निकल जाना चाहिए। भाई पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर इन्होंने हिला कर रख दिया है, निशाना भी नहीं लगा पा रहा भाई मैं एक बंदे को मारने के लिए। वो देखो भाई पीछे की तरफ में क्या ही सीन हो रहा है, सारे के सारे हेलीकॉप्टर फाड़े जा चुके हैं, बस एक ट्रैवर ही उधर टिका पड़ा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मेरे पास बस RPG की लास्ट 5 एमओ बची हुई है, और इस एमओ को मैं मारने वाला हूँ सीधा इस RPG के एकदम सेंटर वाली साइड पर, जहाँ पर काफ़ी सारे बंदे खड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरीके से मारूंगा ना, 3-4 बंदे तो इजीली मारे ही जाएंगे। और अभी फिलहाल मेरे को लगता नहीं हम लोग इनका ज़्यादा कुछ बिगाड़ पाएंगे। पीछे की तरफ में काफ़ी बड़ा इनका टैंक भी खड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं ब्लास्ट कर देता हूँ। भाई साहब निशाना तो काफ़ी सही गया था, वो टैंक पे लगा भी है, लेकिन वो टैंक इतना ज़्यादा मजबूत है कि ब्लास्ट ही नहीं हुआ, और ये वाली बुलेट तो मेरी मिस ही हो गई। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पर जो एक आध बंदे हैं ना, इन्हीं के स्नाइपर बजाते हैं। और अभी ना फिलहाल ट्रैवर के भी भाई मेरे को लग रहा है ये लोग बरसा वरसा ना दे, इसीलिए गाइस हमें ना अभी चुपचाप से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपनी AK-47 में बाहर निकाल लेता हूँ, धीरे धीरे ना गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और वो जो बड़ा वाला प्लेन है ना गाइस, उसमें बैठकर अभी मैं यहाँ से भागने वाला हूँ। तो गाइस यार देखो, लेस्टर ने ना हमें काफ़ी टाइम पहले बिल्कुल सही बोला था कि हमें ना इन टेररिस्ट से बेमतलब का पंगा नहीं लेना है, इनसे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहना है। और अभी फिलहाल आप लोग यहाँ पर उसका अंजाम देख ही पा रहे हो। भाई साहब कैसे पागलों की तरह 1000-2000 बंदे भर कर आ गए हैं, पता नहीं कौन सी कंट्री से, और सीधा यहाँ पर भाई हमारे को मारना शुरू कर दिया है। बाकी एक ड्राइवर है जो कि भाई बंदा हार मानने का नाम लेता ही नहीं है, एक शॉट मेरे आया था भाई, पीछे वाले हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट कर डाले जिससे मैं निकलने की सोच रहा था। और अभी तो फिलहाल भाई कोई भी ऑप्शन नहीं बचा भाई, बस करो। एक हेलीकॉप्टर शायद से और बचा हुआ था, वो भी ब्लास्ट इन्होंने कर दिया है, बट कोई नहीं। यहाँ पर गाइस मेरे को लग रहा है कि उधर की तरफ में जो जेट खड़ा हुआ है ना, इसको अभी तक इन्होंने ब्लास्ट नहीं करा है, और अभी मैं इसी में बैठकर निकलने वाला हूँ। यहाँ पर ना एक मिनट रुक जाओ, ये जो ऊपर बंदा है ना, ये कुछ ज़्यादा चोड़ना हो रहा है, RPG चलती रही ऐसे की तरह। भाई मिस हो गया शॉट, लगा तो है भाई। एक सेकंड शायद से इन्होंने यहाँ भी फायर कर दिया भाई, मैंने देख लिया था कि इन्होंने यहाँ पर भी फायर करा है।
तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मुझे खुद नहीं मालूम कि आखिरकार अभी ना हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि यार ये जो टेररिस्ट है ना हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। और फिलहाल सामने की तरफ में कि ये हेलीकॉप्टर है, तो काश यार ये लोग का ध्यान हमारे ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमें देख लिया ना तो एक ही आरपीजी के शॉट में हमारा काम तमाम हो सकता है। फिलहाल ड्राइवर भी जल्दी से भाग कर हमारे पास आ चुका है, जल्दी से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर गाइस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। फटाफट से निकलते हैं भाई साहब, जितने भी मिलिट्री के बंदे थे ना वो भी सारे के सारे जा चुके हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर गन तो बहुत तगड़ी लगी हुई है, मीन्स डबल मिनी गन लगी हुई है, वो भी दोनों साइड पर, यानी चार मिनी गन है। बट उनसे भी इनका कुछ नहीं होने वाला भाई, जो शिप पर 20 आरपीजी के शॉट कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस पर ये मिनी गन कम से कम 10 दिन भी चला दूंगा ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो अभी तक तो फिलहाल इन लोगों ने नहीं देखा। तो भाई साहब ये लोग इतना ज़्यादा बड़ा शिप लेकर आए थे इस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए, पता नहीं यार उस शिप के अंदर कितने ज़्यादा बंदे भरे पड़े होंगे। मैं पता अभी क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं उस पैराशूट से ना उस शिप पर लैंड कर जाऊँ। नहीं यार ये बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन हो सकता है, उस शिप के अंदर काफ़ी सारे तगड़े तगड़े वेपन्स भी लगे हैं, तो कुछ पता नहीं है भाई कब कौन सा वेपन ऑटोमेटिकली हमें मारने लग जाए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर को लेकर सीधा लॉस सैंटोस पहुंच चुका हूं। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लॉस सैंटोस में हमें काफी ज्यादा खतरा है, तो इसीलिए ना गाइस लेस्टर ने हमें सीक्रेट बेस की बजाय अपने घर पर बुलाया, क्योंकि उसका जो घर है वो ऑलमोस्ट लॉस सैंटोस के बाहर की साइड पर पड़ता है। तो भी फटाफट से ना गाइस हम लोग अपने हेलीकॉप्टर को इसके हेलीपैड पर लैंड करवाते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं लेस्टर से बात करने, वो घर के अंदर ही हमारा वेट कर रहा है। अब बस यार ये जो हेलीकॉप्टर है ना इसके ऊपर लैंड हो जाए भाई, इतना ज्यादा बड़ा हेलीकॉप्टर है ना भाई, मुझे तो लगता भी नहीं इसके हेलीपैड पर आ पाएगा। बट कोई नहीं भाई, तुम्हारा भाई एक अच्छा पायलट है तो आराम से इस पर लैंड करवा दूंगा, लेट्स गो भाई। बहुत ही ज्यादा प्यार से लैंड करवाया भाई, मतलब इतने सारे ट्री थे लाना मुश्किल था, थोड़ी खराब लैंडिंग हुई है बट हाँ यार जगह के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो भी जल्दी से ना हम लोग अंदर चलते हैं। आरपीजी की सिर्फ और सिर्फ एक एमओ बची थी जो कि मैंने जानबूझ के बचाई थी, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता था सारी एमओ वेस्ट हो जाए और कल को अगर और खराब सिचुएशन हो तो अपने पास बिल्कुल एमओ बचे ही ना। तो भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। और यहाँ पर गेट किसी ने लॉक कर रखा है यार, बेल भी नहीं लगवा रखी। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर लेसन ने अंदर से गेट ओपन कर दिया है, तो अभी फटाफट से हम लोग इसके घर के अंदर चलते हैं, बात करते हैं इससे पूरे के पूरे सीन के बारे में कि फोन कॉल के बाद भी टेररिस्ट का एक और अटैक हुआ था। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रहा है कि इसको ना मालूम था कि कुछ ऐसा ही बहुत ज्यादा खतरनाक सीन होने वाला है, क्योंकि इसको भी ना काफी सारे माफियाज के फोन आ रहे थे कि अगर तुम जानते हो बिग माफिया का भाई कहाँ पर है तो उसको छुड़वा दो वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और अभी ना फिलहाल गाइस देखो हम लोग ना दोनों साइड से फंस चुके हैं, अगर हम लोग बिग माफिया के भाई को छोड़ देते हैं तो वो लोग मिलिट्री जनरल को छोड़ देंगे, लेकिन बिग माफिया का भाई बाहर निकलने के बाद हम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। और अगर हम लोग मिलिट्री जनरल को मतलब कि मिलिट्री वालों का साथ देकर हम मिलिट्री वालों को और अपने लॉस सैंटोस शहर को बचाने की कोशिश करेंगे तो वो तो भाई ये लोग इसी तरीके से हमारे ऊपर अटैक करते रहेंगे जैसा कि आपने अभी देख लिया, तो इनसे बचना अभी फिलहाल इम्पॉसिबल है। तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है ना कि उसने एक बहुत तगड़ा प्लान बनाया है, तो अभी वो फिलहाल निकल रहा है सीधा एयरपोर्ट के लिए। और वो कह रहा है कि अंदर ना एलमिरा में एक मिलिट्री आउटफिट पड़ी है और तुम जल्दी से उस आउटफिट को पहनो, पूरे रेडी हो जाओ और जल्दी से एयरपोर्ट पर पहुंचो। और ये लोग ना गाइस किसी प्लेन का जुगाड़ कर रहे हैं और अभी गाइस मैं जाने वाला हूं सीधा मिलिट्री बेस के लिए, क्योंकि दो रास्तों से तो हम लोग फंस गए हैं लेकिन तीसरा रास्ता जो लेस्टर ने भी बताया है ये काम अगर पूरा हो जाएगा तो हम लोग पूरे बच जाएंगे। मतलब क्या देखो लेस्टर का कहना ये है कि अगर हम लोग मिलिट्री बेस जाकर मिलिट्री गन को वहां से अगर छुड़ा कर ले आएंगे चुपचाप जैसे तैसे करके भी तो फिर सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे मिलिट्री बेस के ऊपर बॉम्बिंग करवा के जितने भी टेररिस्ट हैं उन सबको आराम से मार सकते हैं। लेकिन यार जैसा कि लेस्टर ने कहा था उसके लिए बस हमें पहले मिलिट्री गन को वहां से बाहर निकालना है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपने कपड़े बदल लेता हूं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने अपनी आउटफिट को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा चेंज कर लिया है और उस टाइम पर गाइस मैंने पहन लिया एक मिलिट्री आउटफिट विद आर्मर्स। तो अभी ना फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि लेस्टर और ट्रेवर वहीं पर मेरा वेट कर रहे हैं एक कार्गो प्लेन लेकर, और वो कह रहे हैं कि जल्दी से यहां पर आओ क्योंकि अभी ना हम लोग निकलने वाले हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए और मैं जाऊंगा मिलिट्री बेस पैराशूट से लैंड करके। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग एक नॉर्मल गाड़ी लेकर वहां पर क्यों नहीं जा रहे, तो यार देखो उसके पीछे का रीजन ये है कि जितने भी टेररिस्ट है ना उन्होंने सारे के सारे मिलिट्री बेस की गेट को पूरा पूरा ब्लॉक कर दिया है ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए, और जितने भी मतलब बॉर्डर थे ना मतलब कि कोई दीवार टाप के भी ना आ पाए, इसलिए जितने भी बॉर्डर थे वहां पर भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी है। तो ये सब जो सीन है ये सारा का सारा लेस्टर ने अपने ड्रोन से देखा है, और जैसे ही वो अपने ड्रोन को थोड़ा बहुत और अंदर लेकर जा रहा था ये चेक करने के लिए कि आखिरकार मिलिट्री गन को इन्होंने कहां पर दबोच रखा है, तो उतनी ही देर में भाई उन्होंने उसके ड्रोन पे फायर करके ड्रोन ही क्रैश कर डाला। चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी क्या सीन होता है। अभी तो फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर जाने वाला हूँ सीधा एयरपोर्ट पे।
तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर सीधा लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला हूं। और यार, एक तो ये झटके से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और ऊपर से उससे भी तेज मैं अपनी बाइक को भगा रहा हूं। अगर हल्की फुल्की भी स्लिप होती है ना तो बहुत तगड़ा वाला एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से चलाएंगे। और फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। ओ भाई साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि तुरंत इन्होंने मेरे लिए गेट खोल दिया और खोलते ही बंद भी कर दिया। वाह भाई, पता नहीं कौन सा बंदा आ गया है। पहले वाले जो गार्ड्स होते थे उनका तो ध्यान ही नहीं रहता था, सिर्फ सुपर कार के लिए वो गेट खोलते थे। पता नहीं यार कैसा बंदा था, बट कोई नहीं गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शायद से ये लेस्टर और ट्रेवर या ओके तो चलो गाइस, लेस्टर और ट्रेवर फिलहाल सामने की तरफ में खड़े हैं। अभी जल्दी से गाइस हम लोग भी अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन यार, इन लोगों ने तो कार्गो प्लेन की बात करी थी, ये तो एक छोटा सा प्लेन है। तो चलो यार, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, ये शायद से अपना प्लेन नहीं यार, वो वाला कुछ ज़्यादा बड़ा प्लेन हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हम लोग इसी प्लेन में जाने वाले हैं। तो अभी फिलहाल इनसे बात करता हूँ एंड देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से बात हो चुकी है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि ये जो काम है ना, हमें अकेले खुद करना है, क्योंकि यार वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और अगर हम दोनों जने वहाँ पर जाते हैं तो सीधी सी बात है रिस्क कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। और लेस्टर ने हमें बोला कि अगर हम लोग एक बारी उस बॉर्डर को क्रॉस करके, यानी कि जो मिलिट्री का बॉर्डर है उसको क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं ना, तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल ये वाला जो प्लेन है, ये ट्रैवल चलाने वाला है, ये हमें मिलिट्री बेस तक छोड़ेगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाइट पर ये पहुँचा देगा हमें, बस वहां से लैंड करके मिलिट्री बेस के किसी भी कोने में उतर जाना है। अगर हम लोग डायरेक्टली सेंटर में उतरेंगे तो भी काफी ज्यादा खतरा है, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि वहां पर काफी सारे टावर हैं जिसके ऊपर उनके काफी सारे टेररिस्ट चढ़कर बैठे हुए हैं। तो तुम कोने से उतरना जो बॉर्डर वाली साइड है, और उसको पूरा ना हमें बस बॉर्डर एक बारी पार कर देना है सही तरीके से, सही रास्ता ढूंढ के, फिर अपना सारा काम आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल ये हमें जल्दी से लेकर निकल रहा है सीधा मिलिट्री बेस के लिए। तो गाइस यार देखो, पीछे की तरफ में तो फिर भी ठीक ठाक मौसम था, लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल हो रखा है। पूरे के पूरे ऊपर आसमान में लाइटनिंग ही हो जा रही है, वो देखो सामने की तरफ। और इन माउंटेंस के अलावा मेरे को यहाँ पर कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा है। वैसे भी यहाँ से मिलिट्री भी सब ज़्यादा दूर रह नहीं गए, तो बस अपना टाइम आ चुका है अपनी रियल परफॉर्मेंस दिखाने का। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल हम लोग अपना प्लेन लेकर पहुंचने वाले हैं सीधा मिलिट्री बेस के लिए। और इस टाइम पर ना गाइस, ड्राइवर प्लेन को पूरा घुमा के लाया है ताकि जो मिलिट्री वाले हैं ना, हमें बिल्कुल भी ना देख पाए। तो मेरे हिसाब से गाइस टाइम आ चुका है, हमें अपने प्लेन से जंप मार लेनी चाहिए, क्योंकि यार अगर बाद में के चक्कर में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए। अभी फिलहाल जल्दी से यहाँ पर मैंने जंप मार लिया है, वो ड्राइवर अपने प्लेन को लेकर यहाँ से निकल गया है। तो अभी फटाफट से जितना हो सकता है ना उतना आगे मैं ऐसे नॉर्मली जाता हूँ। और वैसे मेरे हिसाब से ना गाइस, अभी मुझे पैराशूट खोल लेना चाहिए, क्योंकि यार देखो बाद में टाइम मिले तब तक मुंह ना टूट जाए। बाकी तो यार, जैसा कि यहाँ पर लेस्टर ने हमें बोला था कि सिक्योरिटी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, तो ये जो आप बड़े बड़े चार टावर देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे टेररिस्ट ने लास्ट 3 दिन में ही बनाए हैं, जब उन्होंने मिलिट्री बेस पे कब्जा करा था। भाई साहब, उन लोगों ने पूरे के पूरे मिलिट्री बेस की क्या हालत कर डाली है भाई। और एक सेकंड यार, उन्होंने कहा था बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, इसलिए गाइस मुझे ना एक कॉर्नर में साइड से उतर जाना चाहिए। ये जगह मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, तो यहाँ पर अपनी लैंडिंग मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रहेगी। ओ तेरी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब लैंडिंग हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। अभी फिलहाल ना गाइस, पहले हम लोग ना एक कोने में चलकर छुप जाते हैं, क्योंकि यार यहाँ का भी सीन ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो भाई, पूरे के पूरे मिलिट्री बेस का इन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर करके क्या हाल कर डाला है। और ये जितने भी ट्रीज आप देख पा रहे हो ना, ये सारे के सारे फेक ट्रीज हैं, जैसे कि इन्होंने लॉस सैंटोस में उस मार्केट पे कब्जा करने के लिए लगाए थे। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मुझे ना लेस्टर से कमांड ले लेके यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यार इधर जो सीन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ही मेरे को लग रहा है। चारों तरफ टेररिस्ट ने बहुत गंदी तरह घास बिछा रखी है, और अभी तक तो फिलहाल मेरे को यहाँ पर कोई भी टेररिस्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो गाइस देखो, बिना फिलहाल मैंने जस्ट बोला ही था कि मुझे ना इधर कोई भी टेररिस्ट नज़र नहीं आ रहा है, और वो देखो गाइस सामने से ना 2 टेररिस्ट चलकर आ रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना गाइस, वो इसी साइड आ रहे हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर से गिरा था ना तो मुझे लग रहा है शायद से उन्होंने ना मेरे गिरने का साउंड सुन लिया होगा। अभी फिलहाल ना जल्दी से मैं यहाँ पर लेट कर छुप जाता हूँ। और यार अभी मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक सीन लग रहा है, क्योंकि वो दोनों के दोनों टेररिस्ट उसी जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर मैं छुपा हुआ था। मैंने सही करा कि मैं भाग कर इधर आ गया। अभी अभी ना फिलहाल गाइस मेरे को ना धीरे धीरे पीछे हो जाना चाहिए। ओ भाई एक सेकेंड, अभी ना गाइस मैं कोई भी मूवमेंट करने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों टेररिस्ट भाई इधर आ चुके हैं। भाई सिर्फ और सिर्फ पेड़ की डाल की वजह से वो मैं अटक के गिरा था ना, वो भाई साहब यहाँ पर ही आकर खड़ा तो हो गया है, और चेक कर रहा है कि आखिरकार आवाज़ आई कहाँ से थी। चलो अभी ना फिलहाल काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है अपने लिए, क्योंकि यार ये लोग अभी यहाँ से वापस जा रहे हैं।
अच्छी बात तो यह है कि यार इन लोगों ने मेरे को देखा नहीं सही टाइम पर। गाइस मैं इस घास में आकर लेट गया, उस टाइम पर अपने कपड़े भी कुछ ऐसे हैं कि घास में इजीली मर्ज हो गए हैं। अभी फिलहाल गाइस धीरे धीरे से मैं यहाँ से आगे निकलता हूँ और मेरे को लगता नहीं है कि गाइस इस वाले रास्ते से आगे जाना बिल्कुल भी ठीक रहेगा, क्योंकि लेस्टर ने भी साफ साफ बोला था कि बॉर्डर पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बस हमें एक बार ही अंदर एंटर हो जाना है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत और अंदर चले गए ना तो मेरे हिसाब से उतनी सिक्योरिटी नहीं होगी। अब ऐसा लेस्टर ने कहा था, मैं तो 100% श्योर नहीं हूँ। फिलहाल धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा कुछ ज़्यादा ही मंडरा रहा है चारों तरफ। भाई एक तो ना यहाँ पर ये जो बिल्डिंग्स है ना, हो सकता है इसके अंदर भी काफ़ी सारे टेररिस्ट छुप कर बैठे हो। वैसे हो नहीं सकता, 100% यही होगा क्योंकि यार पूरे के पूरे मिलिट्री बेस पे उन्होंने आखिरकार कब्जा कर लिया है। फिलहाल मेरे को सामने तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी एंट्रेंस हो गई है मिलिट्री बेस में, मुझे नहीं लगता भी आगे कोई भी दिक्कत आने वाली है। सामने काफ़ी ज़्यादा बड़ा टावर है, उस टावर पर से किसी ने भी मेरे को देख लिया ना सीधा एक ही स्नाइपर का शॉट बजाएगा और मैं वहीं के वहीं ढेर हो जाऊँगा। तो गाइस वैसे ना ये वाली जगह कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है क्योंकि यार इधर इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं ना कि टेररिस्ट को तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन नुकसान की बात ये है कि हमें खुद भी कुछ नज़र नहीं आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं छुपता हुआ किसी ऐसी जगह पर बाहर निकल जाऊँ जहाँ सामने काफ़ी सारे टेररिस्ट बैठे हों। फिलहाल एक सेकंड, सामने की तरफ में ना गाइस रास्ता खुला हुआ है, अगर हम लोग वहाँ से थोड़ा सा और अंदर चले जाएंगे ना तो फिर समझ लो हम लोग पूरे के पूरे सेफ हैं, क्योंकि यार इस एरिया में ना मेरे को बिल्कुल भी सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। पहले धीरे धीरे से ना मैं थोड़ा सा आगे चलकर देख लेता हूँ, कोई भी नहीं है गाइस, कोई भी नहीं है, इजिली मैं भी निकल सकता हूँ। फटाफट से गाइस भाग कर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई रास्ता पूरा का पूरा क्लियर है, भाई क्या ही किस्मत है। अभी एक सेकंड, पहले यहाँ पर मैं कवर ले लेता हूँ। और भाई सच्ची में किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, मैं सोच रहा था रास्ता क्लियर है और ये देखो सामने की तरफ में दो दो टेररिस्ट बैठे हुए हैं। भाई साहब एक ने तो गोल्फ स्टिक ले रखी है और दूसरे के हाथ में टॉमी गन है और कुछ ज़्यादा खतरनाक टैंक भी यहाँ पर इन्होंने खड़ा कर रखा है। मतलब कि गाइस ये मिलिट्री वालों का टैंक नहीं है, ये टेररिस्ट का टैंक है। तो इस रास्ते से जाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से मैं आगे जा नहीं सकता। रोड क्रॉस करूँगा तो ये लोग देख लेंगे, बाकी यार पीछे टेररिस्ट राउंड लगा रहे हैं। मुझे अभी ना चुपचाप से लेट जाना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, कोई भी अभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वैसे एक सेकंड, धीरे धीरे जाऊँगा तो यहाँ पर एक भाई कितना ज़्यादा खतरा है, इधर चारों तरफ का ध्यान रखना पड़ेगा। चुपचाप से आगे चलते हैं, इसके अंदर छुपता हूँ थोड़ी देर के लिए और लेस्टर की कमांड ले लेते हैं गाइस पहले हमें क्या करना चाहिए। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मैं पिछले 10 मिनट से लेस्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार पता नहीं इन टेररिस्ट ने इस एरिया में क्या कर रखा है कि भाई किसी को भी कॉल डायल नहीं हो रही है। अभी ना फिलहाल आगे का रास्ता मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। लेस्टर की कही हुई बातों को गाइस इस टाइम पर मैं पूरा फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि जैसा कि उसने कहा था कि बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और भाई वो बात बिल्कुल सच है। सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो इन्होंने इतने सारे ट्रैप बना रखे हैं ना भाई, मुझे नहीं पता ये किस लिए हैं, लेकिन हाँ शायद से इन्होंने ऐसा इसलिए कर रखा है कि अगर इन पर कहीं से भी अटैक होता है ना तो ये एक टाइप से ना डिफेंस का काम करने वाले हैं इनके लिए। तो चलो कोई नहीं, अभी ना फिलहाल इनसे अपना भी फायदा हो जाएगा, हम लोग ना छुप छुप के अंदर जा सकते हैं। बस एक बारी मेरे को थोड़ा सा अंदर तक एंटर कर जाना है और अपना सारा काम आसान हो जाएगा। बाकी यार इधर ना सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं तो ये मिलिट्री वालों के, बट अभी कंट्रोल इन्हें टेररिस्ट कर रहे होंगे तो मुझे नहीं पता उनका ध्यान यहाँ पर होगा या फिर नहीं होगा। बाकी तो यार वो देखो सामने की तरफ में वॉल के उस पार कितने सारे टेररिस्ट और भी खड़े हुए हैं। तो भी ना फिलहाल मुझे धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर इन लोगों ने मेरे को हल्का सा भी देख लिया ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। और मैं सोच रहा था कि आगे वाले कट से लेफ्ट लेकर हम लोग सीधा मिलिट्री के टावर तक पहुँच जाएंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर तो दो दो खतरनाक टेररिस्ट और खड़े हुए हैं, साथ ही इन्होंने अपनी बग्घी भी रखी हुई है ताकि अगर हम भागने की कोशिश भी करें ना तो ये लोग हमें भगा भगा के मारें। तो भाई यहाँ से जाना तो मेरे हिसाब से एकदम इम्पॉसिबल है, इसलिए भी फटाफट से मुझे यहाँ से ना गाइस वापस निकल लेना चाहिए। एक काम करता हूँ गाइस, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा मस्त वाला आइडिया है। पहले ना गाइस हम लोग ना यहाँ पर जल्दी से लेट जाते हैं और भाई मेरे को ना अभी धीरे धीरे लेट लेट के आगे बढ़ना चाहिए। और भाई साहब यहाँ पर ये देखो, इन लोगों ने मिलिट्री सोल्जर को कितनी गंदी तरह पेड़ में भिड़ा भिड़ा के मारा हो, जैसे पेड़ में नहीं, मेरे को पता है क्या लग रहा है, इसको पत्थर में भिड़ा के मारा है और उसके बाद सोफे पे डाल दिया उसे आराम करने के लिए। भाई सब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक टेररिस्ट हो रहे हैं। वैसे यहाँ पर कुछ ना ग्रास है, एक्चुअली ग्रास नहीं है, छोटे छोटे पौधे हैं जो कि फेक हैं, मतलब कि इन्होंने बस ला के ना इसे फेंक दिया है यहाँ पर, तो ये अपना थोड़ा बहुत फ़ायदा कर देंगे। हम लोग धीरे धीरे से ना गाइस यहाँ से आगे निकल लेते हैं। एक तो यार ये जो गाड़ी है ना भाई, इसमें डोर्स नहीं है जिससे ऐसे आर पार का दिख सकता है। एक काम करता हूँ भाई, आराम से मैं अपना आगे निकलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इसका ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल भी आने वाला है। और वो देखो भाई, इन लोगों ने यार काफ़ी सारे मिलिट्री सोल्जर्स को देखो कितनी गंदी तरह मारा हुआ है। हर एक बंदे ने ना अपने साथ वेपन भी रखे हुए हैं, इनकी बग्गी में भी वेपन्स है और यहाँ पर देखो उस कंटेनर के अंदर भी वेपन्स रखे हुए हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ से कहाँ से आगे जाऊँगा मुझे, ओके तो यहाँ से भी कुछ ग्रास है, फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई इतनी ज़्यादा इन्होंने बोम ब्लास्टिंग करी है, पता नहीं यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर दी और क्या क्या ला के इधर फेंक दिया है।
कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ऐसा ट्रैक इन्होंने बना दिया है ना कि अगर यहाँ पर मिलिट्री वाले अटैक करना चाहेंगे ना तो उन्हें पैदल आना पड़ेगा, और नॉर्मल फाइट में भाई इनसे जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि टेररिस्ट है भाई, उनका निशाना भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगा। बाकी तो यार बंदों को पटक पटक के मारा हुआ भाई, मैं क्या बताऊँ। ये देखो वैसे इस वेदर ने ना अपना बहुत फ़ायदा कर दिया, मतलब कि बारिश होने लगी झटके से और जितने भी टेररिस्ट हैं ना उनका ध्यान मेरे हिसाब से अपने ऊपर उतना नहीं आ रहा होगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मेरे को जल्दी से यहीं से आगे निकलना पड़ेगा। और यार अभी ना फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक ना गाइस मेरे को किसी भी टेररिस्ट ने नहीं देखा। और एक सेकंड भाई साहब, सामने की तरफ में देखो, एक टेररिस्ट ना सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर सिगरेट पी रहा था। अच्छा हुआ कि भाई उसने मेरे को नहीं देखा। और अभी ना फिलहाल एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है भाई, सही टाइम पर ना गाइस मैंने एक बढ़िया से डाई मार दी और यहाँ पर आकर मैं लेट गया हूँ। इधर से थोड़ा सा और रास्ता है, अगर मैं प्रोन होता हुआ इसी तरीके से निकल जाऊंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे यार वो जो सामने खड़ा बंदा है ना वो मेरे को देख सकता है, और अच्छी बात तो ये है कि शायद से ना ये लोग सीसीटीवी कैमरा में ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है अगर ये लोग सीसीटीवी देख रहे होते ना तो अभी तक मैं फंस जाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक ना किसी एक बंदे को भी मालूम नहीं पड़ा है कि यहाँ पर इन टेररिस्ट के अलावा बाहर से तीसरा बंदा भी अंदर घुस चुका है। जल्दी से गाइस भाग कर आगे निकलते हैं, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खतरा है। थोड़ी देर यहीं पर ना गाइस मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि यार अभी ना फिलहाल वो जो सामने वाला बंदा है ना हो सकता है उसका ध्यान मेरे ऊपर आ जाए, इसीलिए ना गाइस जिस तरीके से मैं धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँचा ना अभी इसी तरीके से गाइस मैं थोड़ा बहुत और आगे बढ़ने वाला हूँ। तो बिना चुपचाप से गाइस हम लोग यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और फटाफट से ना गाइस आगे निकलते हैं। बाकी तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो चारों तरफ कितनी गंदी तबाही मची पड़ी है। ओके तो लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर तो रास्ता भाई पूरा क्लियर है, बट मेरे को लगता नहीं है यहाँ से आगे जाना बिल्कुल भी सेफ रहेगा, क्योंकि वो जो आप टावर देख पा रहे हो ना सामने इतना ज़्यादा बड़ा सा, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला टावर भाई, इस टावर के ऊपर 100% टेररिस्ट बैठे होंगे, क्योंकि मेरे को लेस्टर ने साफ साफ बोला था वहाँ जितने भी टावर है सब पे टेररिस्ट बैठे हुए हैं और उन्हीं टेररिस्ट ने लेस्टर का ड्रोन डाउन करा था। बाकी तो इधर कुछ टैंक भी खड़े हुए हैं पूरे पूरे ब्लास्ट करके, तो इधर से जाना भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है। धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई एक रास्ता तो यहाँ पर होगा जो कि हमें थोड़ा सा अंदर लेकर जाएगा अभी ना फिलहाल, अच्छी बात। और एक सेकेंड, वो क्या है सामने भाई सब, काफ़ी सारे टेररिस्ट ना शायद से किसी बंदे को वहाँ पर मारने में लगे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने भी अच्छे से तो नहीं देखा है बट देखने में कुछ ऐसा ही लग रहा है। धीरे धीरे गाइज आगे बढ़ते हैं, मेरे को लग रहा है गाइज यही एक रास्ता है जो कि हमें अंदर लेकर जा सकता है। मैं चुपचाप से पहले लेट जाता हूँ, ओह भाई सही टाइम पर मैं लेट गया, वरना अगर वो लोग देख लेते तो काम खराब हो जाता। ये लोग यार शायद से किसी ओतरी भाई किसी मिलिट्री सोल्जर को उन लोगों ने पकड़ रखा है और लिटा के बस उसके लाते ही लाते भरे जा रहे हैं। तो गाइस देखो, मिलिट्री बेस के सेंटर तक पहुंचने के लिए मुझे ये रास्ता सबसे सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो टेररिस्ट हैं और दोनों के दोनों एक मिलिट्री सोल्जर को मारने में फुल बिजी हो रखे हैं। अगर मैं चुपचाप से इन दोनों को मार दूं तो अपना आगे का रास्ता पूरा क्लियर है और हम लोग पहुंच जाएंगे मिलिट्री बेस के सेंटर तक, जहां पर टावर है और मिलिट्री कर्नल तक एक बार अगर हम लोग पहुंच गए तो फटाफट से उसको जैसे तैसे करके रेस्क्यू कराकर हम लोग यहां से निकल जाएंगे। लेकिन मैं इन दोनों को चुपचाप से मारूंगा कैसे, ये अपने लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टारगेट रहेगा पहला तो। लेकिन यार देखो, अगर अपने पास सप्रेस गन है ना तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि यार ये टेररिस्ट हैं, ये गन की बुलेट का साउंड छोड़ो गन की रीलोड साउंड से बता देंगे कौन सी गन है। अपने पास एक पिस्टल है, एक स्टन गन है, बाकी ओके तो स्टन गन से शायद अपना काम हो सकता है। बाकी एक तो ये अपने पास जो एटोमाइजर है ना भाई बहुत तगड़ी गन है, लेकिन यार अभी ने इस गन का यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसे फायर कर दिया ना तो ये दोनों टेररिस्ट पता नहीं कहाँ पर जाकर ही गिरेंगे। तो अभी फिलहाल जल्दी से मैंने अपनी स्टन गन निकाली है, एकदम साइलेंटली इनको करंट देकर हम लोग मार लेंगे। और गाइस एक सेकेंड, मुझे लग रहा था यहाँ पर थोड़े बहुत ही टेररिस्ट हैं, लेकिन आप लोग ना एक बार इस सामने की तरफ में देखो कितने सारे बंदे भाई सब वहाँ पर भी खड़े हुए हैं, वो भी टैंक के साथ। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले इनको मारते हैं, हमें तो लेफ्ट से जाना है, वहाँ पर जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। गाइस अपनी गन मैंने बाहर निकाल लिया है, मुझे लग रहा था कि उसने मेरे को देख लिया है, बट अब उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया। एक को तो मैंने मार दिया है और उसने मेरे ऊपर फायर करा था, और तू भी निकल बेटा तेरी ऐसे की तैसी। और गाइस अभी ना फिलहाल इन लोगों ने ना हल्का सा फायर भी कर दिया था, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि जो सामने वाले टेररिस्ट है ना उनका ध्यान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि यार ये टेररिस्ट हैं नॉर्मली भी फायर करते रहते होंगे जो कि ओ भाई साहब, मुझे लग रहा था कि यार यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन सामने वो जो बस खड़ी है ना उसके अंदर भी एक टेररिस्ट है और अभी मुझे उसे भी मारना पड़ेगा। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे मारूँ कि भाई साहब ये जो इन्होंने फायर करा है ना इनको फायर करने का भी मौका ना मिले। भाई मैं तो सोच रहा हूँ इनकी गाड़ी उठाऊँ और फटाफट से भाई इसे लेकर निकल लूँ कहीं पर भी। वो देखो इन टेररिस्ट की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर तो हैं ही बंदे, लेकिन सामने की तरफ में ना गाइस और भी ज़्यादा हैं। वो देखो भाई साहब इतने सारे बंदे सामने खड़े हुए हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाइस इसको तो मैं अपनी स्टन गन से नहीं मारूंगा, इसको हम लोग मारने वाले हैं एक बहुत खतरनाक मेली वेपन से, इसीलिए गाइस मैं लेटता ना इसके इतने ज़्यादा क्लोज आ गया हूँ। अभी चुपचाप से मैं इसके पीछे आकर बैठ चुका हूँ। फटाफट से गाइस हम लोग अपना सबसे खतरनाक वेपन निकाल लेते हैं और डाल देते हैं सीधा इसके मत्थे में, छल तेरी ऐसे की दसी।
हाथ सेक रहा था ये इधर आग जलाकर, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, खेल खत्म करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फटाफट से गाइज मैं इधर बैठ जाता हूँ, मैं पूरे में घूम के रहा हूँ। अगर सामने वाले टेररिस्ट ने मेरे को देख लिया होगा ना तो भी ये सारे के सारे भागते हुए मेरे पास आने वाले हैं, बट कोई नहीं, मैं घास में लेट जाऊंगा, ये लोग मेरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी फिलहाल रास्ता पूरा क्लियर है, जल्दी जल्दी से गाइज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ से पूरी ओपन फील्ड है, सीधा भागता हुआ जाऊंगा ना तो मैं सीधा उस टावर तक ही पहुंचने वाला हूँ, रुक जाओ। लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रिस्क होगा, पूरे एक सेकंड पहले मेरे को लेटना पड़ेगा इधर। भाई आगे भी दो बंदे बैठे हुए हैं यार, अब मेरे को इन्हें भी मारना पड़ेगा। मुझे लग रहा था ये रास्ता क्लियर है, यहाँ पर कुछ कुछ बंदों को मार के अपना काम हो जाएगा, लेकिन इधर और भी बंदे लेटे हुए हैं। भाई साहब मैं उनके एकदम सामने से लेटता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ये बारिश की वजह से मैं आज बचा हुआ हूँ, वरना तो अभी तक मेरा खेल ख़त्म था। और मुझे गाइस लग रहा था कि इधर सिर्फ दो बंदे हैं, लेकिन यहाँ पर तो चार बंदे बैठे हुए हैं, टेंट लगा के आग जला के फुल एकदम हाथ सेक रहे हैं। भाई यहाँ से आगे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना अभी मुझे उसी रास्ते से वापस जाना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चुपचाप से क्राउच करता हुआ पीछे पीछे से निकल जाता हूँ, मेरे लिए अभी वही सेफ रहेगा, और अभी मुझे कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो सामने चार बंदे बैठे हुए हैं ना भाई, ये काम खराब कर देंगे। लेट जाता हूँ, आराम से आगे बढ़ेंगे। भाई यहाँ पर जिन बंदों को मैंने मारा है ना, अगर एक भी टेररिस्ट ने इधर का राउंड लिया और अगर इनको उसकी बॉडी नज़र आ गई ना, तो सीधी सी बात है मैं बहुत गंदा वाला फंसने वाला हूँ। मीन्स इनको ये तो नहीं पता चलेगा कि ये सब मैंने करा है, बट हाँ इस चीज़ को देखकर उन्हें शक हो जाएगा कि कोई ना कोई तो बाहर से बंदा आया है जो कि अपने टेररिस्ट को मारने में लगा हुआ है, और फिर सारे के सारे बंदे अलर्ट हो जाएंगे और सिक्योरिटी और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, और हमारा मिलिट्री गन को बचाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बिना फिलहाल गाइस बस मुझे ये वाली वॉल एक बारी पार कर देनी है, फिर अपना सारा का सारा काम ऑलरेडी आसान हो जाएगा। यहाँ पर उस तरफ में काफ़ी सारे बंदे हैं और वॉल थोड़ी बहुत ऊंची है, तो सीधी सी बात है वो लोग मेरे को नहीं देख पाएंगे। अभी जल्दी से ना गाइस, यही एक लास्ट रास्ता है मेरे हिसाब से जो कि हमें मिलिट्री बेस के अंदर तक ले जा सकता है, और यहाँ पर तो अभी तक तो फिलहाल मेरे को कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा है। ओ भाई 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 भाई, भाई ये सोफे के पीछे मेरे को पहले ना छुप जाना चाहिए और देख लेता हूँ पहले आसपास अच्छे से। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने चारों तरफ देख लिया है, मामला ऑल सेट है, हम लोग धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़कर निकल सकते हैं। और गाइस अभी ना फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जिस एरिया में यानी इस बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थी और हम लोग ने इसका सामना कर लिया है और हम लोग यहाँ से आगे बढ़ गए हैं। और अभी ना फिलहाल बस मैं इन टेररिस्ट का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि यार ये सच्ची में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से इन लोगों ने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अटैक करा था, भाई एक शिप के अंदर सारे के सारे भर कर आ गए थे और आरपीजी बजाना शुरू कर दी थी हमारे। और मेरे को तो डर इस बात का लग रहा था कि जो शिप में वेपन्स लगे हुए थे अगर ये लोग वो फायर करते तो पूरा पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही तबाह हो जाता। अभी फिलहाल मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और मुझे अभी तक तो कोई भी टेररिस्ट नहीं दिखा, लेकिन सामने वाली छत पर यार एक बंदा बैठा हुआ है, अच्छा खासा मैं जा रहा था। पर ये क्या मस्ती में है क्या? एक सेकंड गाइस, अभी ना मेरे पास स्नाइपर है, मैं इससे देख सकता हूँ आखिरकार ये कर क्या रहा है। फटाफट से यहाँ पर मैं एम करता हूँ, भाई वो भी एक स्नाइपर ही है और वो पता नहीं क्या ही मजे में लगा हुआ है। पता नहीं यार, छोड़ो, अभी ना अपने पास जो स्टन गन है इसके एकदम क्लोज चल के ना गाइस मुझे इसके बजानी पड़ेगी। बस वो जो टेररिस्ट उस साइड पर खड़े हुए थे ना वो मेरे को ना देख पाए, तो इसीलिए गाइस अभी मैं जल्दी से लेटने वाला हूँ ताकि कोई भी मेरे को ना देख पाए। उनको लगता नहीं है यहाँ पर ज़्यादा टेररिस्ट हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से है। अच्छी बात है कि भाई आज बारिश हो गई, अगर ये बारिश ना होती ना तो शायद से यहाँ पर नॉर्मल से तो ज़्यादा सिक्योरिटी होती। अभी फटाफट से ना गाइस हम लोग सामने वाले बुश तक पहुँचना है, और उसने देख लिया ना भाई ये स्नाइपर अंदर रखेगा, AK-47 बाहर निकाल के मेरे गंदी तरह बजाने वाला है। वैसे वो मस्ती के मूड में है भाई, वो अपना ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक मिनट गाइस, अभी बस वो देख ना ले। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं लेटते लेटते सामने वाले बुश तक पहुंच चुका हूं, और गाइस यही सही टाइम है इसको ना सीधा यहां से मारने का। अभी अपनी गन मैंने बाहर निकाली है, चलती रही ऐसे की तैसी, इसको गाइस मैंने मार दिया है और ये तो सीधा इसी साइड पर आके गिर गया। भाई ऊपर से उसने थोड़ा बहुत चिल्ला भी दिया है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं कि कोई भी हमें नहीं देख पाएगा। अभी थोड़ी देर ना गाइस यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई इसको देखने के लिए आए। वैसे मुझे पता है क्या लग रहा है कि गाइस ये वाला जो टावर है ना इसके ऊपर कोई होगा नहीं, क्योंकि टावर यार उल्टा है, ये गिरा पड़ा है बहुत गंदी तरह। पता नहीं यार क्या ही सीन चल रहा है, भाई ऐसा लग रहा है ना पूरा का पूरा मिलिट्री बेस में बहुत ज़्यादा तगड़ा भूकंप आया हो और पूरी की पूरी चीज़ें हिल गई हो गंदी तरह। जल्दी से एक बारी और आगे चलते हैं, सामने की तरफ में एक बंदा और है, इसको हम लोग डाउन कर देते हैं। लेकिन गाइस सामने की तरफ में ना दो टेररिस्ट और हैं, अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इसके ऊपर फायर नहीं करा, वरना उनको 100% पता चल जाता। बाकी यार अगर सामने की तरफ में वो खड़े हैं, लेफ्ट साइड में जालियाँ हैं, राइट साइड में ये खड़ा हुआ है, तो मैं आखिरकार अब अंदर जाऊँगा कहाँ से मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। भाई अभी हम लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में फंस चुके हैं, मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी जिससे मैं ये जालियाँ तोड़ दूँ। अगर ये जाली टूट जाएगी तो ये हम अंदर जा पाएंगे, लेकिन जाली टूटेगी तो आवाज़ होनी है और फिर ये लोग आ जाएंगे।
बट कोई नहीं, यहाँ पर अभी फिलहाल इसका ध्यान तो अपने ऊपर नहीं है। फटाफट से ना गाइस पीछे पीछे से ना निकलते हैं। स्टन गन अभी AK-47 निकाल लो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अभी मैं यहाँ पर चुपचाप से आगे बढ़ सकता हूँ। वो दोनों गाइस अपना बातें करने में मस्त हो रखे हैं। अगर मैं यहाँ से लेट के नहीं बैठ के जाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ना तेज स्पीड में जाएंगे तो ही बढ़िया रहेगा। अभी तक तो फिलहाल उन दोनों ने नहीं देखा है। अगर एक बारी उस सामने वाले बुश तक मैं पहुँच गया ना तो सीन बढ़िया हो जाएगा। लेट जाते हैं, यही सेफ रहेगा। चुपचाप से पहुँचना है उस वाले बुश तक, देखा तो देखा, मारेंगे सीधा AK-47, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं चुपचाप से प्रोन होता हुआ सीधा इस बुश के अंदर भी एंटर हो चुका हूँ। और वो जो सामने की तरफ में दो टेररिस्ट खड़े हुए थे ना भाई, वो लोग तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देख पाए। अभी ना फिलहाल बस मुझे यहाँ से थोड़ा बहुत और आगे जाना है। वैसे एक बात बताऊँ, अभी तक हम लोग ना बॉर्डर पार कर अंदर नहीं जा पाए हैं, लेकिन इधर ये वाली जाली पार करते ही गाइस फाइनली हम लोग मिलिट्री बेस के सेंटर एरिया में पहुँचने वाले हैं। अभी ना गाइस एक सेकेंड, थोड़ा सा और रिस्क है छोटा सा, क्योंकि सामने की तरफ में ना दो, एक सेकंड भाई अपना काम पूरा आसान है, बस एक बार इसे पार कर लूँ और दोबारा से गाइस यहाँ से आगे बढ़ना है। वो देखो सामने की तरफ में वो जो टैंक खड़ा हुआ है ना, उसके साथ में भी दो मतलब कि टेररिस्ट खड़े हुए थे, लेकिन यार अच्छी बात है कि वो लोग मेरे को नहीं देख पाए। और गाइस हम लोग फाइनली टावर तक पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर चांसेस है कि उन लोगों ने मिलिट्री कर्नल को पकड़ कर रखा हो। तो भी फटाफट से गाइस मेरे को थोड़ा बहुत और अंदर चलना है। और भाई साहब इधर तो कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो रखा है, बिल्कुल ना समझ नहीं आ रहा कि मैं एक मिलिट्री बेस में आया हूँ या फिर किसी फॉरेस्ट में आ गया हूँ। बाकी तो यार इस जगह को देख कर ना सच्ची में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बहुत तगड़ा वाला ही अर्थक्वेक आया हो भाई। इतनी बड़ी क्रेन पलट के गिरी हुई है, पता नहीं यार इन्होंने कितने बॉम्ब ब्लास्ट करे होंगे। इधर भी एक और यहाँ पर प्राइवेट जेट क्रैश हो रखा है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे यहाँ पर ओके लेफ्ट से ही जाना चाहिए क्योंकि आगे से तो रास्ता ही नहीं है। और गाइस फाइनली हम लोग टावर तक पहुँचने वाले हैं, बस अभी मेरे को थोड़ा सा आगे और जाना है। जल्दी से निकल लेता हूँ, यहाँ पर कोई भी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं धीरे धीरे के चक्कर में रह जाऊँ और बाद में सिक्योरिटी टाइट हो जाए जब तक मैं वहाँ पर पहुँचूँ। ओके लेट्स गो। अभी फिलहाल यहाँ पर इन लोग का एक टैंक खड़ा हुआ है भाई साहब, इतना ज़्यादा खतरनाक टैंक है, इसके अंदर मेरे को नहीं बैठना। पता चला ऑलरेडी कोई बंदा बैठा हुआ है और मैं अंदर जाऊँगा तो वो मेरे को देख लेगा। और गाइस एक सेकेंड, पीछे की तरफ में तो कोई भी बंदा नहीं था, लेकिन जो टावर है ना गाइस उसके नीचे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि मिलिट्री कर्नल गाइस ऊपर वाले फ्लोर पर ही, मतलब इस टावर के अंदर ही कहीं पर है। अभी टावर भी तो इतना ज़्यादा बड़ा है ना, मैं ढूंढता थक जाऊँगा। अभी काम करता हूँ गाइस, यार इन लोग को ना देखो अभी मैं यहाँ से हटाऊँगा कैसे, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा भाई, क्योंकि एक आध बंदे रहते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ना कम से कम 7 से 8 भी नहीं, कम से कम 10 से 12 बंदे हैं भाई। इनको यहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है इनको मारना। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो जो टेररिस्ट है ना वो सामने वाले गेट से हटने वाले हैं। चाहे दिन हो जाए या रात हो जाए, वो भाई साहब वहीं के वहीं खड़े रहकर अपनी ड्यूटी देंगे। लेकिन यार अभी ना फिलहाल मेरे पास एक बहुत ज़्यादा खतरनाक आइडिया भी है और उससे ज़्यादा खतरनाक गन भी है। एक गन आप लोग को याद होगा जो कि मेरे को बिग माफिया के भाई ने दी थी, ये अपनी स्पेशल रे मिनी गन। शायद से इन गन से ना मैं इन सबको चटका डाल सकता हूँ, बट 100% श्योर नहीं हूँ अभी ना। लेकिन यार देखो रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो चलो गाइस क्यों ना ये खतरनाक वाला रिस्क उठा लिया जाए। अभी जल्दी से ना गाइस मैं अपनी मिनी गन निकाल देता हूँ और इन सबको गाइस अभी मैं बहुत गंदी तरह ठोकने वाला हूँ। ये जितने भी टेररिस्ट हैं इसके अंदर ज़्यादा एमो नहीं है, बट हाँ इतना मेरे को पता है जब तक इसकी एमो चलेगी ना तब तक तो ये सारे के सारे बहुत गंदी तरह मरने वाले हैं। भाई साहब पैर हो या सिर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई सच्ची में। वही मैं सोचूं बिग माफिया इतना ज़्यादा पावरफुल आदमी क्यों था, क्योंकि उसके पास गाइस ये वाली गन थी कि गन में देख रहे हो एक एक गोली में इतने ज़्यादा तगड़े तगड़े आर्मर पहने वाले टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। इसकी ज़्यादा एमो मेरे पास है नहीं तो इसलिए मैं इसे संभाल के चलाने वाला हूँ। वैसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसके एमओ मेरे पास पड़ी हुई है, मतलब टोटल मेरे पे 10,000 थी जो कि जिसमें से मैंने अभी 600 एमओ यूज़ कर दिया है। चलो कोई नहीं, जितने भी टेररिस्ट थे भाई किसी का अता पता नहीं है कहाँ जा के गिरे हैं। लेट्स गो, सबको बिछा डाला, इनकी भी गन्स उठा लेता हूँ। भाई पता नहीं कौन कौन सी गन्स चला रहे थे, बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी है। और जो चीज़ मैं नहीं चाहता था इनसे फाइट लेना गाइस, वो फाइट लेनी पड़ गई, बट कोई नहीं जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर। एक तो यार गेट के एकदम सामने इन 2-3 लोग की बॉडी भी पड़ी है, बस गेट ढंग से खुल जाए। फिर यार एक सेकंड या ओ भाई इसके सामने एक और टेररिस्ट था भाई साहब, मेरा इंतजार कर रहा था ये अंदर आने का। और अच्छा हुआ कि मैंने अपने हाथ में गन रखी हुई थी और सही टाइम पर इसके बजा दी। यहाँ पर एक बंदा हो रहा है, एक सेकंड भाई साहब ये कुछ ज़्यादा खतरनाक सा हो रहा है। इधर आ बेटा, स्नाइपर ही पड़ेगी मत्थे पे जैसे झांकेगा। एक मिनट रुक जाओ, 3 दोबारा चलती रही ऐसे जैसे निकल यहाँ से। भाई साहब खतरनाक तरीके से एम लेकर बैठा हुआ था मेरे ऊपर, सीधा हेडशॉट मार के भाई साहब टोपी उतार डाली।
लेकिन गाइस अभी ना फिलहाल मैंने एक चीज ये नोटिस करी कि इन लोगों ने भाई साहब मिलिट्री टावर के अंदर घुस के मिलिट्री सोल्जर्स को इतनी गंदी तरह मारा है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि इन्हें गन से मारा गया भाई, उठा उठा के पटका है ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल यार देखो नीचे से तो ये जो जितने भी सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं ना, इसमें तो मेरे को यार मिलिट्री कर्नल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। बट फिर भी यार एक बार ही हम लोग ना ऊपर चलकर देख लेते हैं कि आखिरकार एक्चुअली में सीन क्या है। बट यार जो भी हो, अंदर और बंदे तो नहीं है ना? ओके, शायद से दो ही लोग थे और दो के दो को यहाँ पर मैंने मार डाला है। और इस तरफ में भाई एक और बंदा है भाई, मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगा। पता चला है कि ये लोग भाई बीच रास्ते में लाइट वाइट बंद कर दे तो लिफ्ट वहीं अटक जाए, इसीलिए गाइस अभी ना यहाँ पर ये जो स्टेयर्स है इसके थ्रू मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी AK-47 वगैरह भी रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर कुछ पता नहीं है बंदे कब और कहाँ से आ जाए। एक सेकंड, मुझे पता ही था भाई कभी भी कोई भी आ सकता है। और यहाँ पर एक और बंदा भाई सब बैठा हुआ था, तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने इसको तो मार दिया है। और सब बंदे के पास भाई M249 मतलब तगड़ी तगड़ी गनी लेकर बैठे हुए हैं सारे के सारे। और इसको भी मैंने मार दिया है, बेचारा एक गोली में डिसबैलेंस हो गया पूरा का पूरा, मतलब कुछ ज़्यादा खतरनाक जगह पर लग गई थी। और एक मिनट रुक जाओ भाई, इसको भी अभी ढेर कर डाला भाई। मुझे तो लग रहा है कि मुझे ना भाग कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे रहा हूं ना, ये लोग सीधा फायर कर दे रहे हैं। अब नहीं मार पाएंगे, अगर मैं तेज जाऊंगा ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो अभी मैं थर्ड फ्लोर पर आ चुका हूं और इतने सारे बंदे मेरे को यहीं पर मिल गए हैं, यानी पक्का ऊपर ही बंदा है। ठीक है, मेरे को अब तो 100% श्योर हूं कि मिलिट्री कर्नल ऊपर ही है। भाई स्टेयर्स पर भी काफी सारे बंदे बैठे हुए थे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं स्टेयर चढ़ता 6th फ्लोर तक आ चुका हूँ, लेकिन यार थर्ड फ्लोर के बाद ना मुझे अभी तक यहाँ पर एक भी टेररिस्ट नजर नहीं आया है। पता नहीं यार इधर का क्या ही सीन है। और यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह है ना, वो सारे के सारे इन टेररिस्ट ने फोड़ डाले हैं। तो बिना फिलहाल देखो जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये सारे के सारे अलर्ट हो गए होंगे कि बाहर का एक बंदा अंदर आ चुका है, क्योंकि यार मैंने इतने सारे इनके बंदे डाउन कर दिए, इतनी ज़्यादा फायरिंग कर दी, तो सीधी सी बात है इन लोग को पता चल गया होगा। लेकिन यार अभी मेरे को यहां पर भी कोई नजर नहीं आ रहा, तो मुझे यार अपना सीन थोड़ा सा खराब लग रहा है। या तो ये सारे के सारे बंदे मारे जा चुके हैं, या फिर ये कुछ, एक सेकंड भाई साहब यहाँ पर एक बंदा और था, तो इसकी तो ऐसे की दस, इसको भी गाइस मैंने मार के डाउन कर दिया है। मुझे लग रहा था बारिश रुक गई है, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा, तभी मैं इतनी ज़्यादा इजीली यहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि यार देखो अगर इनके टेररिस्ट टावर पर बैठे हैं ना, तो सीधी सी बात है मैं इतना ज़्यादा छुप छुप कर आया हूँ, ऊपर से जो बारिश है ना इसमें क्लियरली दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बाकी यार आप लोग यहाँ पर एक बार ही ना नीचे मिलिट्री बेस का जो ओपन एरिया था ना, जो एयरलाइन है उसको देखो क्या ही हाल कर रखा है। इतने सारे नकली पेड़ इन्होंने लगा दिए वहाँ पर, और इतने सारे प्लेन क्रैश कर दें, ये देखो इस सारे के सारे कार्गो प्लेन इन्होंने क्रैश कर रखे हैं। पूरा का पूरा मिलिट्री बेस ऐसा कर दिया कि यहाँ पर कोई भी प्लेन लैंड ही नहीं हो सकता और ना ही यहाँ से टेक ऑफ कर सकता है। बाकी तो यार यहाँ पर ये मेरे को ना चीज़ समझ नहीं आ रही आखिरकार है क्या। एक सेकेंड यार, इसके ऊपर ना चढ़कर मुझे देखना पड़ेगा, कुछ UFO टाइप यार सामने रखा हुआ है, ये देखो पता नहीं यार क्या ही चीज़ है, क्रैश हो रही है और उसमें से बहुत खतरनाक तरीके से धुआं निकल रहा है। भाई ये इस टाइम पर ना गाइस मिलिट्री बेस नहीं, कुछ अलग ही लेवल वॉर जोन बना पड़ा है। तो यहाँ से ना गाइस चुपचाप से निकलते हैं, क्योंकि मेरे को मिलिट्री कर्नल यहाँ पर नहीं दिखा। एक काम करता हूँ गाइस, इधर ना एक आध हैंगर है जिसके अंदर प्लेन खड़े होते हैं, एक बारी बस मैं वो चेक कर लेता हूँ। और अगर वहाँ पर भी नहीं मिला ना, तो मैं यहाँ से सीधा एग्जिट करने वाला हूँ, और वो मैं कैसे करूँगा मुझे नहीं मालूम। लेस्टर भी नहीं बता सकता क्योंकि उसे कॉल नहीं लग रहा, पर ना एक तरीका, अगर मैं इनकी एक गाड़ी चुरा लूँ और किसी गेट वेट से जंप करा दूँ ना तो काम हो जाएगा, बट इतनी इजीली जंप भी नहीं होने वाली। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागता भागता इस टावर से नीचे आ चुका हूँ, अभी ना फटाफट हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं सीधा सामने वाले हैंगर में एक बार ये चेक करने के लिए कि वहाँ पर कहीं मिलिट्री गन को तो इन लोगों ने छुपा के रखा या फिर नहीं रखा। और अभी तो फिलहाल भाई साहब फुल जोश भी आ चुका है, सामने की तरफ में जो भी बंदा आएगा ना अपनी गन से भाई साहब उसको उड़ा डालेंगे। और अभी तो यार इसकी एमओ भी मिल चुकी है, क्योंकि मिलिट्री टावर के अंदर एक मिनी गन रहती है हमेशा, जहाँ से हमें इसकी एमओ मिल गई है। फिर फटाफट चुका है हमें यहाँ से आगे चलना है। और यार ये वाली जो बस है, ओके चलो यहाँ से रास्ता है, वही मैं बोलने जा रहा था कि यहाँ पर इन्होंने बस अटका रखी है। भाई इन्होंने ना पूरी कोशिश करी है कि सारे के सारे रास्ते ना ब्लॉक कर दें ताकि यहाँ से कोई आ जा ना पाए, बट तुम्हारे भाई ने जैसे तैसे करके सारे रास्ते ढूंढ लिए और इन लोग से छुपता छुपता मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। सामने की तरफ में एक टैंक खड़ा है, अगर इसके अंदर बंदा हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है, पूरा का पूरा टैंक फोड़ दूंगा अगर इसके अंदर कोई भी हुआ। अगर नहीं हुआ तो हम लोग चुपचाप से जैसे निकल रहे वैसे निकल ही सकते हैं। बाकी तो बिना फिलहाल यहाँ पर हमको थोड़ा सा और छुप जाना चाहिए, चार पाँच बंदे मार के ना मैं कुछ ज़्यादा ही चोड़ में आ जाता हूँ। बट कोई नहीं यार, अभी इनसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि यार मुझे लग रहा था इतनी देर में ये अलर्ट हो जाएंगे, सारे के सारे मेरे पे टूट पड़ेंगे, बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, भाई कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन यार आप लोग एक बार ना उधर की तरफ में देखो, लग ही नहीं रहा है किसी एंगल से कि ये मिलिट्री बेस है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं गेट तक तो पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर यार अंदर तक भाई साहब इन्होंने प्लेन ब्लास्ट कर करके फेंक रखे हैं। भाई कि दो दिन में क्या कर दी भाई जगह इन्होंने, अपने टेरर बेस बना दिया इस मिलिट्री बेस को।
वैसे गाइस देखो मिलिट्री के इस वेयरहाउस में ना मैं आज से पहले कई बार आया हूँ, लेकिन मुझे ना आज तक यहाँ पर ये वाला रूम नहीं दिखा। मतलब कि हो सकता है, क्या पता ये वाला रूम टेररिस्ट ने अपने रहने के लिए बनाया हो। और इस बार ही ना गाइस अगर मेरे को यहाँ पर कोई टेररिस्ट मिलता है तो मैं उसको मारूंगा नहीं, मतलब मारेंगे पर जिंदा नहीं मारेंगे, मार कूट के टॉर्चर करके ना उससे ये पूछेंगे कि आखिरकार मिलिट्री कर्नल को इन लोगों ने कहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। अब मेरे पास बस एक यही रास्ता बचा है, उसके अलावा तो अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी ना फटाफट से गाइस मैं अंदर तो जा रहा हूँ, पूरा का पूरा वेयरहाउस खाली पड़ा हुआ है। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं हम लोग इसके अंदर। एम तुम्हारे भाई का पूरा रहेगा, अगर सामने कोई भी है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओके तो फिलहाल यहाँ पर भाई सब मिलिट्री कर्नल इधर है, वो भी अकेला। तो गाइस देखो बिना फिलहाल मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि तुमने अकेले अंदर आकर ना बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी है, ये जो टेररिस्ट है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कि जब हम लोग इस बेस के अंदर एंटर हुए थे ना इन्हें तभी पता चल गया था, लेकिन यार ये लोग ना हमारा टेस्ट ले रहे थे। अब ऐसा मिलिट्री कर्नल कह रहा है, एक बार बाहर निकल कर देखते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पर जितने भी टेररिस्ट हैं भाई उन सब ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, और साथ ही जो सामने वाला गेट है उसको भी बंद कर डाला है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरह फंस चुके हैं, और अपने पास ना इस टाइम पर सरेंडर करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, वरना यार ये लोग हमें बहुत बुरी तरह मार डालेंगे। तो भी फिलहाल भाई मैं साफ साफ इसे बोल रहा हूँ कि हम लोग बिग माफी के भाई को ला कर दे देते हैं, तुम बस यार हमें मारना मत। भाई चारों तरफ से घेर लिया और सबके पास RPG है, और साथ ही भाई फ्रैंकलिन को भी पकड़ कर ले आए हैं ये लोग। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर इसने मेरे को खड़े होने के लिए बोल दिया है, और यार ये कह रहा है कि तुम्हारे पास ना सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टाइम है, जल्दी से जाओ बिग माफिया का भाई जहाँ पर भी है उसको लेकर आकर हमें दे दो, और हम लोग फिर तुम्हारे दोस्त फ्रैंकलिन को और साथ ही इस मिलिट्री कर्नल को छोड़ देंगे। और अगर ऐसा नहीं करा एक दिन के अंदर तो फिर ये एक एक करके हमारे फ्रेंड्स और जो माइकल की फैमिली है उसको भी किडनैप करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर इस तरीके से यहाँ पर ला कर पीटेंगे। अब यार देखो जिस तरीके से हरकत कर रहा है हमें अब इसके लिए काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार अगला नंबर मेरे हिसाब से ट्रेवर का लग रहा है। तो यार अभी हमें निकलना पड़ेगा बिग माफिया के भाई को लाकर, अगर मैं इसे नहीं दूंगा तो मुझे तो लगता है भाई ये लॉस सेंटोस वगैरह में पूरी में ब्लास्ट करवा देगा। और वैसे भी यार ये जो बंदा है ना देखने में मेरे को बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो भाई साहब मैं सोच रहा था कि हम लोग मिलिट्री बेस के अंदर एकदम छुप छुप के आ चुके हैं, हमें कोई भी नहीं देख पाया, लेकिन यार ऐसा नहीं था। जैसे ही हम लोग घुसे थे ना वैसे ही इन लोग को उसके बारे में मालूम पड़ गया था, और अभी फिलहाल ये लोग फ्रैंकलिन को यार पता नहीं कब तक इसी तरीके से मारने वाले हैं। चलो यार कोई नहीं, जल्दी चलते बिग माफिया के भाई को लेने। भाई साहब गेट तो खोल दो, ये वाला क्या लगा दिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इन लोगों ने मेरे लिए ये वाला गेट भी खोल दिया है, और साथ ही एक बढ़िया सा बाइक का जुगाड़ कर रखा है ताकि मैं जल्दी से इस बाइक पर बैठकर निकलूं सीधा मिलिट्री बेस से बाहर, और फटाफट से बिग माफिया के भाई को लाकर मैं इनके हवाले कर दूं। और यार अभी तो फिलहाल मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार मैं अपनी बाइक को कहां से बाहर लेकर जाऊंगा, सारे के सारे रस्तों में तो इन्होंने तबाही मचा रखी है और आधे से ज़्यादा रस्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। तो चलो कोई नहीं, फिलहाल यहाँ से मुझे एक रास्ता मिल गया है, अब बस राइट में रास्ता बिल्कुल भी बंद ना हो। तो चलो गाइस लेट्स गो। और ये वाला जो गेट है ना इन्होंने इसे पूरा का पूरा बंद कर रखा था और सिक्योरिटी पूरी टाइट कर रखी थी, बट अभी भी फिलहाल इन्होंने मेरे लिए ये वाला गेट खुलवाया है। तो चलो गाइस फाइनली हम लोग मिलिट्री बेस से बाहर आ चुके हैं, और यार अभी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है मेरा, क्योंकि गाइस अगर हम लोग ने एक दिन के अंदर बिग माफिया के भाई को लाकर इन टेररिस्ट के हवाले नहीं करा ना तो ये लोग फ्रैंकलिन को भी मार देंगे, लॉस सैंटोस में बॉम्ब ब्लास्ट भी करवा देंगे, भाई पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए गाइस ये जो काम है ना मुझे जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल जल्दी से हम लोग निकलते हैं सीधा लेस्टर के पास, उसको पूरी का पूरा सीन बताते हैं और फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 800,000 लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।